हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी गियर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत कुछ हेल्पफुल लेकर आई हूँ आपके लिए, और जो टिप्स मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, इससे पहले मैंने ये अपने चैनल पर शेयर नहीं किया है कभी, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी, कुछ नया है आज की वीडियो में, तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी आने वाली न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फेशियल किट लेते हैं या कोई ब्लीच लेते हैं, तो उसके साथ आपको फेस पैक या स्क्रब दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप फ्री सैंपल की हेल्प से भी अपनी फेस को ग्लोइंग बना सकते हैं और कैसे इन सैंपल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हो ये दो क्यूट से सैशे हैं, और दोनों ही ये फेस पैक हैं। ये फेस पैक मुझे VLCC ब्लीच के साथ मिले थे। ये है ग्रीन कलर की ब्लीच के साथ जो मुझे मिला था फेस पैक, और ये गोल्ड ब्लीच के साथ मिला था। तो इस वक्त मैं आपको ये गोल्ड फेस पैक अपने फेस पर लगाकर दिखाऊंगी, और किस तरीके से आपने इसे यूज करना है ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मुझे VLCC फेशियल किट के साथ मिला था। ये पोस्ट फेशियल जेल होती है, और ये ऑयल फ्री है, मॉइस्चराइजिंग जेल है। ये SPF 15 PA प्लस है, विद एलोवेरा जेल के साथ आती है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसे अक्सर हम फेशियल करने के बाद अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे फेस पर जो भी फेशियल की गुडनेस होती है वो अच्छे से लॉक हो जाए और अच्छा ग्लो दे हमारे फेस पर फेशियल। तो वैसे तो आप इसे फेशियल के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फिलहाल में ये आपके पास बचा हुआ है तो आप इसे अपने हाथों और पैरों पर भी लगा सकते हो, और अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसे नाइट में भी लगाकर सो सकते हो, और नेक्स्ट डे आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज दिखा देती हूँ जो कि हमें फेशियल के साथ फ्री मिलती है। ये है लस्टर फेशियल सीरम है ये, और इसे भी मैं, आप सोचेंगे कि मैं इसे क्यों दिखा रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि इन फेशियल सीरम को फेशियल के बाद ही अप्लाई किया जाए, तब तो आप अप्लाई करिएगा जरूर, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास कोई नाइट क्रीम नहीं है या आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, आपकी ड्राई स्किन है, तो आप इन फेशियल्स को भी अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर, और इसे नाइट में अप्लाई कर आप सो सकते हो, उसके बाद अपने फेस को नेक्स्ट डे फेस वॉश कर लीजिए। तो आज इन्हीं फ्री सैंपल्स की हेल्प से दोस्तों मैं आपको फेस क्लीनअप कर दिखाने जा रही हूँ, घर बैठे ही आप इजिली कैसे फेस क्लीनअप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और अगर आप इस तरीके से फेस क्लीनअप करते हैं ना दोस्तों, तो आपके ये फ्री सैंपल्स बेकार भी नहीं जाएंगे, और ये इस्तेमाल भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा, और इसे आप घर बैठे खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है, ये है गोल्ड फेस पैक, और ये फेस पैक जेल में है। जी हाँ, ये जेल फेस पैक है। आप सोचेंगे कि ये तो फेस पैक है, तो इसे फेस पैक की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते। तो मैं इसे कैसे यूज करती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसे सबसे पहले अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, और नेक एरिया पर भी, और उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट तक इसे लगा रहने देती हूँ। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगता है, तो मैं मसाज कर इसे अपने फेस से रिमूव करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, और वैसे अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट जेल मसाज भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी ग्लो देती है आपके फेस पर। तो ये देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो, खुशबू बहुत ही अच्छी होती है इन सभी प्रोडक्ट्स की। VLCC के जितने ही प्रोडक्ट मैंने अभी तक यूज किए ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। तो ये देखिए, मैं इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट तक, उसके बाद मैं इसे मसाज करते हुए रिमूव करूंगी। तो मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं मसाज करूंगी। ग्लो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ग्लो आई है फेस पर, ये देखिए। बस 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लीजिए, और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने फेस को वॉश कर लिया है, और बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में मैं ये वाला ग्रीन फेस पैक जो है ये अपने फेस पर लगाऊंगी, और जेल फेस पैक को मैंने जेल की तरह ही मसाज करते हुए फेस पर लगाया था, और अपने फेस को वॉश भी कर लिया है। तो अब मैं ये फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि आप इन सैंपल्स को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने इन सैंपल्स को इस्तेमाल नहीं किया है,
और वेस्ट समझकर आप फेंक देते हैं। और अगर अभी तक आपने इन सैंपल्स को इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस तरीके से इन्हें इस्तेमाल कर जरूर देखिएगा दोस्तों। इससे आपके ये फ्री सैंपल बेकार भी नहीं जाएंगे और आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी देकर जाएंगे। और अब मैं इस फेस पैक को ऐसे ही लगा रहने दूंगी और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी और अपने फेस पर मैं इसके बाद लगाऊंगी फेशियल ऑयल। सो आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा ग्लो आया है फेस पर। और इस तरीके से आपके सैंपल्स ना बेकार भी नहीं जाएंगे। मुझे ये तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं हमेशा इन सैंपल्स को यूज करती हूँ, बेकार नहीं जाने देती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो भी और ये आज का मेरा फेस क्लीनअप आपको अच्छा लगा हो। एंड में मैं इसके बाद लगाने जा रही हूँ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल SPF 15 PA प्लस विद एलोवेरा जेल। तो ये मैं लगाने जा रही हूँ और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है और ये भी मुझे गोल्ड फेशियल किट के साथ फ्री मिला था। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देगा। और प्लस जो आपने फेस क्लीनअप किया है ना, इसकी सारी गुडनेस आपकी स्किन में लॉक हो जाएगी अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरा फेस क्लीनअप डन होता है। और आप चाहें तो फ्रेंड्स ये वाला फेशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो और इसे भी आप नाइट में लगाकर अपने फेस पर सो सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है घर पर फेस क्लीनअप करना। और इन सैंपल्स की हेल्प से तो आप वैसे भी फेस क्लीनअप बहुत आसानी से कर पाएंगे और इस तरीके से ये बेकार भी नहीं जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Oh, 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 oh